अभी जो कल्पना देवी जी मैडम हैं, हम सम्मान करते हैं उनका, महारानी जी हैं। मेरे को लगता है जो अभी कह रहे हैं कि हम मिलके आ, तो ये तो वो गाना है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, तो इनको तो ये कहेंगे ही। और एक सज्जन कह रहे थे भवानी सिंह का, भवानी सिंह आज तक यो नहीं पूछे कि तुम्हें क्या परेशानी है, और आप देख रहे कांग्रेस जीतेगी तो ठीक है, और नहीं करे तो ठीक है, नहीं तो हम वोट देना ही बंद कर देंगे क्या। जैसा कि आपको पता है कि आपका मीडिया हाउस राजस्थान जनता जनार्दन कार्यक्रम के तहत निकला हुआ है हर एक विधानसभा में, और अब नंबर है लाडपुरा विधानसभा का, जहां पे हम पूनम कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां 5 से 6 हजार वोटर हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं पूनम कॉलोनी के, जिनकी समस्याएं हैं, जो अपनी समस्याएं उन जनप्रतिनिधियों के सामने रखना चाहते हैं जिनको वोट दे के वो 5 साल के लिए सरकार में बैठाते हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से कि उनकी सरकारें उनके प्रति कितनी जिम्मेदार है। क्या नाम है सर आपका? अशोक सिंह। अशोक जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। लाडपुरा विधानसभा में इस बार कैंडिडेट चेंज हो गया है, भवानी सिंह राजावत की जिम्मेदारी एक तरीके से लाडपुरा से खत्म कर दी गई है, तो क्या कहेंगे, कितने जिम्मेदार रहे वो? जिम्मेदार तो बहुत थे, और उनके समय में वो काम हुए हैं जहाँ जहाँ उनके लोग थे वहाँ काम कराए गए, है ना। उनके लोग मतलब? उनके लोग जहाँ उनके लोग थे, जहाँ उनके आदमी थे, मतलब पार्सलिटी बरती गई काम में, पार्सलिटी बरती गई, और कम से कम ये राजा नगर अपना, ये क्या नाम अपना हमारा, ये दुर्गा नगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में अब कोई काम छोड़ दिए गए। 30 साल से कॉलोनी बसी हुई है, 30 साल से अभी तक कोई काम नहीं हुआ उधर, और पार्सलिटी से काम चल रहा है पहले। अभी जो तुरंत काम देख रहे हो न्यूज, ये अपने सड़कों की हालत इतनी खराब है, क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं पता ही नहीं पड़ रहा। हाँ। अब एंड टाइम पे धड़ाधड़ हमारा जो मेन रोड है ये, इसकी हालत कितनी खराब है। 5 नंबर का रोड नहीं बनाया गया, बीच बीच में रोड छोड़ दिए गए, सड़कें पाइपलाइन सब जगह डाल दी गई, पूरे लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कें वो पाइपलाइन पानी की डाल दी गई। हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं डाली गई, जनता बहुत दुखी है। बिजली के बिल जो मीटर है, ये जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनकी हालत ख़राब है, स्मार्ट मीटरों के बिल से जनता परेशान है। 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, उसका जनता ने विरोध किया, नहीं माना गया, पुलिस को साथ लेके लगवाया गया। जनप्रतिनिधि हैं, आखिरी बार आपकी कॉलोनी में कब आए थे? हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया, 5 साल तक कोई नहीं आया। पिछले चुनाव में प्रचार करने के बाद 5 साल नहीं आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। सर देख लीजिए आप, ये विकास है कि नालियाँ में पन्निया तैर रही है, पानी आगे बढ़ नहीं रहा है, ये इतना अच्छा विकास हुआ है कि बस वो सफाई वाले आते हैं तो 2 मिनट रुकेंगे, गाना बजाएंगे और फिर कि ये आदमी खड़ा ही रहा है यहाँ पर अपने सामान लेके कचरा वचरा, और फिर वो अंदर ले जाता है, फिर वो कहता है कि भैया 7-8 दिन का कचरा मैं नहीं ले जाऊँगा। ये अच्छा विकास है सर, मेन रोड की हालत। गाना बजा के फुर हो जाता है? बस गाना बजाता है और आगे निकल जाता है। आया भैया वो वहाँ से आ रहा है, वो वेट वेट नहीं करता, यहाँ देखेगा नहीं, सीधा निकल जाएगा, आदमी आगे जाएगा अपनी व्यवस्था से भग के जाएगा, ये विकास है सर। ठीक है, ये तो हो गई सफाई और व्यवस्था की बात। एक मिनट सर, आपके पास भी आएंगे। लालपुरा विधानसभा में इस बार कैंडिडेट चेंज किया गया है, कल्पना देवी को उम्मीद बनाया है, तो उस पर क्या व्यू है आपका? सर अब ये तो वक्त बताएगा, देखो कि अब कल्पना तो आपको देना है, वक्त क्या बताएगा? तो हम अभी थोड़ी बताएंगे, हम तो चुनाव के समय बताएंगे कि किसको दें। अब ठीक है, वो जो भी है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आगे आइए। कल्पना देवी को हम 10 साल से जानते हैं, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा था, अब क्या करेंगे? महलों की रानी है, मिल भी नहीं पाएंगे उनसे हम जाके, मिल सकते हैं? नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता। हमें जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे बीच में रहने वाला हो, जो ऐसा ना हो कि जो महलों से आ गया हो हमारे ऊपर थोप दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो जीत गई तो वो विकास करवाएंगी या उनसे आप मिल? वो मिल ही नहीं पाएंगे, विकास की कह रहे हो, नहीं करेंगे 10 साल में। हम तो पहले भी कोई नहीं मिल पाया जयराज सिंह जी से, उन्होंने उनको किसी ने देखा हो यहाँ आते होते बताते कोई? इजराज सिंह जी पहले 10 साल से जब वो सांसद थे तब थे ना, वो जब ही नहीं आए तो अब कैसे आ जाएंगे? अब कैसे मान लें कि वो लोग आएंगे और हमारे लिए काम करेंगे, कैसे माने? पिछली बार 10 साल से भी नहीं आए हमारे बीच में, तो वहाँ मेलों में कोई घुसने नहीं देगा हमें, तो पिछली 10 साल से कोई जाता था क्या वहाँ? कोई नहीं पहुँचा है मेलों में, नहीं पहुँचेंगे आप? कौन कैसे पहुँचेंगे आप लोग, कोई बताया उन्होंने देखा हो किसी ने इजराज सिंह जी को यहाँ आते हुए? मान लेंगे हम, पहले भी नहीं आए तो अब कैसे मान लेके आएंगे? क्या सर सही है इनकी बात, नहीं दिखेंगी महारानी? मुझे पता ही नहीं कुछ। आप क्या कहते हैं सर? नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। मेलों में रहने वाली हो सर, रोड पे थोड़ी आएंगी। मेलों में रहेंगी वो,
महलों में रहने वाली है। आप आठ मीटर हटवा दो, मेरे तो लाइट कटने वाली है कल। महलों में रहने वाले हैं, हाँ बताइए आप। ठीक है दादाजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अचानक से जिस तरीके से लाडपुरा विधानसभा से कैंडिडेट बदल दिया गया एन मौके पे, क्या प्रभाव देखते हैं आप लाडपुरा की राजनीति पे? अभी लाडपुरा की राजनीति का प्रभाव तो आप देख ही रहे हो जी। जो चल रहा है वो चल रहा है, सफाई का देख ही रहे हो और रोड जो बन रहे हैं वो भी देख रहे हो। कहीं पर लिंक रोड उनको तो मिलाया ही नहीं है, बहुत कम एक आध कोई मिलाए हैं तो मिलाए हों। अब इसके अलावा आने वाले इनका तो बारे में तो कुछ नहीं जानते, पहले दफे शक्ल देखिए वो भी राम राम करके चल दिए, ठीक है साहब और क्या करें। तो भवानी सिंह राजावत ने 15 साल अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई यहाँ पे? नहीं ऐसा तो कर नहीं कह सकते, नहीं निभाई, कुछ निभाया, लेकिन अब वो बोर्ड तो लगा दिए उद्घाटन का तो है, वो शिलान्यास का, लेकिन वो अभी बनाए नहीं, कुछ भी नहीं, काम चालू दिया कि यहाँ काम होने वाला लेकिन काम नहीं हुआ। काम का चालू ही नहीं हुआ, ये रोड नहर की तरफ का रोड का शिलान्यास तो कर दिया लेकिन वो अभी चालू ही नहीं हुआ काम। अच्छा, क्या है आपकी समस्याएं सर इधर की जहाँ आप रह रहे हैं? समस्या पानी भी नहीं है सर यहाँ अभी तक, नल भी नहीं है, पानी की समस्या मेन है अभी, और लाइट तो कल लग गई है अभी, और नाली भी अभी ढंग से नहीं बनी है, और रोड भी नहीं बना आगे। तो फिर क्या कहती है लाडपुरा की जनता, किसको वोट करेगी? वोट की तो नहीं कह सकते, पर कुछ भी नहीं कह सकते, गोपनीय वोट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार जो सरकार थी उससे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, ये बात पक्की है, यही कहना चाहते हैं। कांग्रेस की बनिस्पत तो ठीक है, हाँ कांग्रेस की बनिस्पत तो ठीक है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, नहीं है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, विकास तो सही है। कैसे? ये लोग तो कह रहे हैं ना पानी है ना नहीं, नहीं, नहीं। रोड वगैरह सभी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना भाई, एक रोड एक सभी संतुष्ट, सभी को कर भी नहीं सकते, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इतने साल 50 साल कांग्रेस रही, सभी को संतुष्ट नहीं करेगी, लेकिन यह है कि इस 5 साल में काफी विकास हुआ। 5 साल नहीं सर, 15 साल कहिए, 15 साल लालपुरा में सभी रोड बने, कभी करी करी सभी, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अभी आने वाले 5 साल में कोई जो भी आएगा, अभी जैसे कल्पना जी हैं, ये अभी उनका काम देखा नहीं, लेकिन काम तो करेंगी, ऐसा तो है नहीं भाई, पहले इनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि इनको कोई पैसा खाना हो, इनको संतुष्ट है, इनके पास दफे दफा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात जो इन भाई साहब का कहना था कि हम तो उनसे मिल ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्यों नहीं मिल पाएंगे, मिलेंगे आएंगे। लोग कह रहे हैं कि जब इजराज सिंह जी सांसद थे तब भी नहीं मिले, तो घर नहीं आएगा, उनसे मिलने जाना पड़ेगा, मिल कैसे नहीं पाएंगे, मिल कैसे नहीं मिलेंगे। अरे भाई मुझे भी बोलने दो यार, तुमने तुमने बोला, तुमने बोला तो मैं नहीं बोला, कोई बात नहीं, माइक इनको दो दो यार, इनको दो दो, आप बोलिए, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी जाना, वो एक दिक्कत यही है, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जीतने दो, काम भी होंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगी, बिल्कुल बहुत शानदार वोट। कैंडिडेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यही अगर कांग्रेस से लड़ती तो यही सबसे अच्छा होता, यही कैंडिडेट बहुत अच्छा होता, सबसे मिलती और मिली सब अभी संतुष्ट होते हैं, लेकिन आज ये बीजेपी में आ गई तो क्या बेकार होगी, नहीं आई, आनी चाहिए, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, आप बताइए पाइपलाइन नहीं आई, आनी चाहिए ना, वो तो आप बताइए कब आए। भाई साहब सिविल डिफेंस कार्यकर्ता है ना, सिविल डिफेंस कार्यकर्ता ललित कुमार गुप्ता जी सर, मेरी 10-12 समस्या है सब इनकी, मैं आपको लिखित में दूंगा आपको, ऐसे नहीं, ये देखो आप, इसका समाधान कर दो, हमको और कुछ ही नहीं चाहिए। सरकारी पानी की पाइपलाइन होनी चाहिए, सीवरेज लाइन पूनम कॉलोनी में आवश्यकता है, बिजली स्मार्ट मीटर हटाने हैं तो बिजली के तार को बदवाने के लिए पोल लगाने हैं, तो इसमें लगभग 15 समस्याएं लिखी हुई हैं, एक आध आप कुछ बर्बली बता दीजिए। बर्बली क्या, ये सारी समस्याएं हैं, समाधान है, और आज तक 15 साल हो गए बीजेपी के शासन को, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, और ये रोड भी बनी है तो अशोक सरपंच के मार्फत बनी है, जो भी कोर्ट में गए। सर आखिरी बार आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी गली में कब आए थे और आपने नहीं, देखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, हाँ देखा ही नहीं है साहब इस क्षेत्र में, और कभी गए भी होंगे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कार्यकर्ता के नाते कहा, कार्यकर्ता के लिए आपने क्या किया 15 साल में रह के, एक भी कार्यकर्ता को कहीं भी रोजगार नहीं लगाया, और हम ये कांग्रेस को भी यही कहेंगे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको गवर्नमेंट आने पे कहीं ना कहीं रोजगार लगाया जाए, ये हमारी मुख्य समस्या है। और सर
अब तो भवानी सिंह रजावत जवाब दे नहीं रही उनकी, अब कल्पना देवी के लिए क्या कहेंगे आप? हम कल्पना देवी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस के लिए कहेंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और उनको यही कहेंगे कि कार्यकर्ता को आप कहीं ना कहीं नियुक्ति दो, कहीं भी लगाओ, डेली वेजेस पे लगाओ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे लगाओ। तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को लगाओ, सिर्फ कार्यकर्ताओं को, बाकी लोगों को नहीं? बाकी क्या, आप बोलो तो सही, किसी को तो लगाओ, एक दो को तो लगा के दिखाओ आप। इनका कहना है कि कम से कम जो आपके साथ दौड़ रहा है उसकी व्यवस्था आप कहीं ना कहीं करवा दीजिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? यही समस्या है सबके, हमारे पास यही समस्या है, यही समस्या जो आपको सबकी, यही समस्या, यही रहता हूँ। हाँ, तो आप बताइए कि जैसे उन भाई साहब ने कहा कि जो महारानी है कल्पना देवी, अगर वो जीत भी गई तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं है मुश्किल, परसों मिल के आया हूँ मैं तो। ये रही ना बात, परसों मिल के आया हूँ तो जीतने के बाद सिंह जी से भी मिल के आया हूँ, इजराज सिंह जी से भी मिल के आया हूँ मिलने। हम पूरा परिवार गया था राजपूत ठुकरा, पूरा परिवार गए थे हम, मिल के आए हम तो नहर पार, नदी पार गए हम। तो आप तो रिश्तेदारी की वजह से? हाँ बराबर, इसी वजह से गए। मगर मैं वोट पंजे को देता हूँ, मैं वोट पंजे को देता हूँ, शुरू से पंजे को देता हूँ वोट। भाई रिश्तेदार है तो इसका मतलब नहीं है, ये मतलब गलत कह रहे हैं, लेकिन वो सबसे मिलती है, ऐसा नहीं है, वो सबसे मिलती है। आपको बता दें कि लालपुरे में जो भवानी सिंह राजावत के बाद कैंडिडेट हैं कल्पना देवी, उनके अक्सर लोगों का कहना है कि वो महारानी से मिल नहीं पाएंगे, उस पे हम लोगों का व्यू पूछ रहे हैं। देखो मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिनट सुनो, मैं इस कॉलोनी में 31 साल से रह रहा हूँ और तब से रह रहा हूँ जब यहाँ पर केवल 4 मकान थे, ठीक है ना। यहाँ सबसे पुराने कैंडिडेटों में 3 या 4 मकान है, उनमें से एक मैं हूँ जो मैं यहाँ रह रहा हूँ। जब कॉलोनी बनी, जब बनी कॉलोनी पूनम कॉलोनी 86 में बनी, 87 में मैं आया हूँ। और ये जो कह रहे हैं ना, अभी जो कल्पना देवी जी मैडम है, हम सम्मान करते हैं उनका, महारानी जी हैं, मेरे को लगता है जो अभी कह रहे हैं कि हम मिल के आए, तो ये तो वो गाना है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो इनको तो ये कहेंगे ही। और एक सज्जन कह रहे थे कि सब करवाया है पिछले 15 साल में विधायक साहब ने, तो इनको मिलने आते होंगे। हमने तो 15 साल में तो एक भी नहीं देखा, इतने आदमी से पूछ लो आप। मैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का प्लेयर रहा हूँ कोटा का, हाँ पब्लिक डीलिंग में मेरी, मैंने फ्रांस और स्पेन के अगेंस्ट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचेस खेले, 13 साल मैंने नेशनल गेम खेला। तो मैं समझता हूँ, पब्लिक डीलिंग में जॉब थी मेरी, टीटी था मैं रेलवे में, तो मैं जानता हूँ कैसे आदमी क्या आते हैं। और ये लोग सब मेरे साथ जाया करते थे, यहाँ जो कैंडिडेट है ना यहाँ की, आधे दिन तो इंग्लैंड रहेंगी वो साल में, और आधे दिन यहाँ रहेंगी, ये फैक्ट है, बिल्कुल कटु सत्य है। और यहाँ सुनो एक मिनट, पूरी बात पूरी, ये जो कह रहे हैं ना डेवलपमेंट हुआ है, ये पानी वानी का सब बहुत समस्या है सारी, ये एक रोड बनाए, एक मिनट, ये रोड बनाए, ये रोड ऐसा बना दिया कि और जो पहले हमारी सुविधा थी वो भी खत्म हो गई। और ये रोड अभी 6 महीने पहले बनाए, 5 महीने पहले, ये अभी क्यों बना, पिछले 15 साल में क्यों नहीं बनाया गया, अभी क्यों बना, वोट लेने के लिए? हम पढ़े लिखे लोग हैं कॉलोनी के, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम सब समझते इस चीज़ को। बात ये नहीं है कि हम नईमुद्दीन गुड्डू का फेवर कर रहे हैं, या बात ये नहीं है कि हम कल्पना जी के खिलाफ बोल रहे हैं, या बात ये नहीं कि भवानी सिंह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बात ये है कि यहाँ 15 साल में वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ और अब होना चाहिए, इसलिए हम बदलाव चाहेंगे कि उनको गुड्डू भाई की मैडम को लेकर आएंगे गुलनास को, और कांग्रेस शायद कर दे, और हमें पक्का विश्वास है शायद ही नहीं ये करेंगे। जैसा एक सज्जन ने अभी जिक्र किया, अशोक सरपंच, उनके टाइम पर मैं था, हमने, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं, हम जैसे कई लोगों ने उनके लिए मेहनत की और वो सफल हुए, और उन्होंने काम भी कराए, जितनी भी टूटी फूटी कॉलोनी थी कुछ कराया जो सही कराया, वैसा ही आदमी चाहिए हमें विधायक यहाँ। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, आप केंद्र के कर्मचारी रहे हैं, केंद्र राज्य सरकारें, हमारे केंद्र और राज्य सरकारें जो वर्तमान में हैं, वो हमारे प्रति कितनी जिम्मेदार है? नहीं, हमारे दोनों का नहीं, प्रति जिम्मेदार तो है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई भी सरकार आए, जिम्मेदार तो होती है, और वो हमारा ख्याल भी रखती हैं और सुविधाएं भी देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो निभाओ तो सही। आप देखिए, यहाँ पर पाइपलाइन नहीं आई है अभी, है ना, बिजली की प्रॉब्लम है, गैस लाइन का कोई सिस्टम ही नहीं चालू हुआ है, अभी पाइपलाइन का सिस्टम नहीं है चालू हुआ, सब जगह हो गया क्या ये लाट, हाँ यस, ये क्या लाडपुरा सेक्टर ऐसा रहेगा क्या हमेशा? ये कहने का मतलब है किसी के खिलाफ नहीं है, पर सही आदमी को हम लाएंगे, ठीक है। क्या कहेंगे सर आप?
स्टेशन के पास में एक तो सबसे पास में होते हुए भी विकास नहीं हो पा रहा है, स्टेशन के पास भी डेवलपमेंट नहीं। हाँ, सबसे पास जो, इसका रीजन क्या फाइंड आउट किया आपने, क्या वजह है इसकी डेवलपमेंट नहीं हो? यहाँ का स्तरीय नेता नहीं रह पाता, सबसे बड़ी बात तो ये फर्क पड़ रहा है। जहाँ यहाँ का स्तरीय नेता यहीं का होना चाहिए जब ही हो पाता, क्योंकि ज़्यादा दूर का नेता रहता है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा सेक्शन रहता है, तो सब सभी जने अपने अपने इलाके में ही काम करवाते हैं, या जिसकी ज़्यादा पहुँच है वो अपने इलाके का करवा देते। तो भवानी सिंह जी जिम्मेदार रहे 15 साल? नहीं, जवाबदार भवानी सिंह जी तो नहीं, उन्होंने उनके हिसाब से करवाया भाई, वो ऐसा काम सब ऊपर वाले सब बराबर करवाते हैं, जो नीचे वाले यहाँ पर जो पार्षद, हाँ वो रोकते हैं उस काम को। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखो, विकास तो कराया है मगर इन्होंने उस लेवल का नहीं कराया जैसा होना चाहिए था। किस लेवल का विकास? एक 9 फीट का रोड बना दिया, 9 फीट की रोड में आप 2 गाड़ियां क्रॉस करते होगे? नहीं कर सकते। हम एक गाड़ी को साइड में लगाते हैं तब दूसरी गाड़ी को क्रॉस करते हैं, ये वाला रोड देख अभी जाके ट्रेन देखना, 9 फीट का रोड अगर आप उसी को 2 फीट और बढ़ा दे तो शायद 2 गाड़ियां आराम से क्रॉस हो जाती। मतलब किसी भी हद तक एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल बेकार रोड है। अगर आपने चलो बना दिया उसको, तो आप उसको थोड़ा सा उसके ड्रेसिंग करा दे दोनों साइडों में, ऐसा करें कि 2 गाड़ियां निकल सके। हाँ, 2 गाड़ी तो निकल सके ना, अब एक गाड़ी का आदमी खड़ी करता। मतलब 15 साल में या जो भी वर्तमान सरकार है वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई उसने? बिल्कुल भी नहीं निभाई। ये वाला रोड है जो ये मेन रोड है, पूरी पूनम कॉलोनी सोगरे और सब लोग इसी रोड से जाते हैं, ये हर बारिश में आप कभी आके देख। आप मेरे को बताइए, ये सरकार की जो दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं अलग अलग नामों से, कभी भामाशाह, कभी कोच, कभी बेटी बचाओ बेटी, इन योजनाओं का कोई प्रभाव आपने अपनी कॉलोनी में देखा है? कुछ भी नहीं है, तो सब कागजों में चल रही है, वैसे धरापतल पे कुछ भी नहीं है। आप तक ये जानकारी पहुँचती है कि सरकारी योजना चला रही है? नहीं पहुँचती ये जानकारी, नहीं पहुंचती। ये जनसंपर्क विभाग का काम होता है, लेकिन उसने भी काम सही से नहीं किया। नहीं किया। हाँ। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं बीच में भी एमपी गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो कचरा गाड़ी आती है उसमें 2 जने बैठे रहते हैं, एक जना गाड़ी से उतरता है, वो सबके घरों में जाता है, बेल बजाता है, वहाँ से कचरा उठाता है, लाके गाड़ी में डाल तक बेल वापस रखता है। हमारे यहाँ पर 2 जने आते हैं, एक कान में वॉकमैन लगा के सुनता रहता है और दूसरा गाड़ी के हॉर्न बजा के गाने चलाता रहता है, मतलब वो अपने राउंड काटता है निकल जाता है, किसी का कोई मतलब नहीं है उसका, तो दूसरे वाले को हम क्या फोकट में पैसा दे रही है गवर्नमेंट? कोई लेट हो जाए कचरा पहुंचाने में तो उससे मतलब वो नहीं करता है, वो सारे वो दूसरा तो कान में वॉकमैन लगा के सुनता रहता है बस, जबकि एमबी में ऐसा नहीं है, वो दूसरे वाले का काम रहता है, सब कुछ घरों पर जाके बेल बजा के आता है और कचरा उठा उठा के ला के डालता है। अच्छा, तो इन चीजों में थोड़ा सा मतलब सुधार करने वाली चीज है तो जो हो सकता है, या तो अब लालपुरा का रुख किस ओर है? अब लालपुरा का रुख पूरी तरह से गुलनाज बानो की तरफ है, बदलाव की तरफ, बदलाव की तरफ। सर, कुछ लोगों से और बात कर ले, आप नेता लग रहे हैं ड्रेस से, हैं नेता या लग ही रहे हैं? नहीं, नेता नहीं।, नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या है आपकी लालपुरा की जनता की समस्या, आपके लालपुरा के विधायक की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी? सर, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सबके विकास के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं कराया कहीं नहीं कराया। आप आगे थोड़ा जाके देखें, जो 15-15, 20-20 साल से जो कॉलोनियाँ हैं उनके आज कच्चे रोड भी नहीं है, डामर तो छोड़ो और सीसी छोड़ो और कच्चा भी नहीं है, वो तो ठीक नहीं है, वहाँ भी होना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं हुआ 15-20 साल में, होना चाहिए था ना। अब क्या है लाडपुरा की जनता का विचार? बदलाव, बदलाव। हाँ बताइए, आप हैं भाई साहब, आपको बीजेपी का कैंडिडेट कह रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत, काम होता तो आज हम जैसे शांति कुमार धारीवाल जी हैं, उन्होंने काम किया, हम कहते हैं किए हैं काम, शहर को चमकाया उन्होंने, उसमें एक काम की बात है। अगर कैंडिडेट ने अगर काम नहीं कराया तो पहली बार में आ जाता, 15 साल क्यों रहा वो शासन में भवानी सिंह? अगर नहीं तो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों खड़ा किया 3 बार, क्यों आ रहा वो, क्या मुस्लिम काम नहीं कराते क्या? 2 बार गुड्डू क्यों आ रहे? अगले ने अगर काम नहीं कराया तो आप हटा देते ना उसको, काम करवाने वाले को लाते ना, अगले 15 साल काम किया जब तो जीतता रहा वो। तो सर जनता कह रही है, एक मिनट सर, जनता कह रही है कि एक भी योजना नहीं आई, कुछ नई जानकारी नहीं मिली। ऐसे नहीं, भामा साहब हमने कार्ड बनवाए यार, को सब योजनाओं के फायदे उठा रहे हम, जन सब चीज भाई, कई कांग्रेस के भी कट गए, कांग्रेस के भी कट गए, गुड्डू का किसी को नहीं मिला, वो पंकज जी को अटैक आ गया, ऐसे तो कांग्रेस को भी नहीं कटे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबके कटे, वो आदमी मुद्दे की बात है, विकास होगी नहीं अगर। इनका कहना है कि अगर विकास नहीं हुआ होता तो 15 साल कैसे रहते? बताइए सर, आप क्या करते हैं? मेरा नाम, मैं चक्की की दुकान है, आपकी चक्की की आगे चक्की की दुकान है। हाँ। भाई हमारा रोड बना है,
हम तो जानते भाई विकास तो हुआ है, लेकिन अब ये की समस्याएं तो रहेंगी, इंसान रहेगा तो इंसान के साथ समस्या भी रहेगी। सरकार की योजनाओं को लेके क्या कहेंगे, सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं क्या धरातल पे? अपने हिसाब से कर ही रहे हैं वो लोग, अब गाड़ी भी आ रही है वैसे तो एक दिन छोड़, ये लोग तो कह रहे हैं वो एक वॉकमैन लगा के घूमता रहता है और कचरा किसी का उठाया नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है गाड़ी सर। और आपके विधायक कितने जिम्मेदार रहे यहाँ पे? नहीं, विधायक काम करा रहे हैं बराबर, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखते हैं, जनता का भी ध्यान रखते हैं। और जो बदलाव किया है बीजेपी ने अचानक से 15 साल के कैंडिडेट, ये हमारे कार्यकर्ताओं को दुख है इसका कि हमारे विधायक साहब का टिकट काट करके एक महारानी जी को दे दिया। ठीक है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है, मतलब हमारे लिए, हमारे विधायक उनके लिए काम करेंगे, लेकिन दुख है। आपको भी दुख है टिकट कट जाने से? नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो कैसा हुआ है विकास आपकी कॉलोनी में? विकास बढ़िया हो रहा है और कोई परेशानी बीजेपी के राज में ऐसी नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है। कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, इनसे बात करो। क्या नाम है आंटी जी? मीरा देवी। मीरा जी, आपकी कॉलोनी में कितना विकास हुआ है या हो रहा है, कैसा काम? विकास नहीं हुआ अभी तक, अब जो जाके एक दो रोड बनी है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ कॉलोनी। और क्या क्या समस्या है? समस्या ही समस्या है, नाली की समस्या है, कुछ रोड बने हैं कुछ नहीं बने हैं सब। और विधायक जी आखिरी बार गली में कब दिखे थे? विधायक जी तो आते हैं तो क्या करते हैं वो, तो राशन कार्ड पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, नाम के लिए बने। भामाशाह योजना से कुछ मिलता है क्या? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। क्या होता है भामाशाह कार्ड? क्या हुआ जिसको मिलता है मिलता, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला। और नाली और बनाई, जो नाली पूरा ऊंची कर दी, जो पूरी नाली। वृद्धा पेंशन मिलती है? हमारे पीछे पूरी नाली भरी हुई है और ये नहीं थे, हमारा बिल्कुल ही रोड पे है, जो सबने गटर खोल रखे, अब हमारे बच्चे रोते कि हमें बदबू आती है। अच्छा, आपसे मैंने एक बात पूछा, आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? अरे हमें विधवा के, हमें वृद्धा पेंशन जो मिलती है आपकी उम्र की मिलती है, रेलवे देता है। हाँ। मतलब सरकार की योजना का फायदा मिल रहा है। हाँ, तो क्या ना खा लें कि क्या कह रही है भाई? ये कह रहे कितनी की मिलती, परिवार है 8-9 जने खाने वाले, सिलेंडर ही नौ सौ, जो सिलेंडर 900 सिलेंडर होगा, बच्चे को बेरोजगार है, रोजगार उनका उनका कोई धंधा ही नहीं, और 5-6 हजार बिल के आ जाते तो सब पैसे तो हमें छूट जाए, और क्या पूछता ही नहीं है, पैसा बचता ही नहीं है, बचता क्या, कर्जा और हो जाए, कर्जा और हो जाता है। हाँ बताइए। हाँ, हमारे बहुत परेशानी है नाली की, दोनों तरफ नाली बनना चाहिए गली में, नाली तरफ भी नाली है तो रोज लड़ाई होती है, धोते है उनका पानी जाता है, रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती। तो कभी विधायक उधायक को बताए? हाँ, आते ही नहीं कोई देखने, किसको बताए, हाथों से नाली साफ करते, हाथों से कचरा निकाल निकाल के फेंकते, हाथों से साफ करते नाली। भामाशाह कार्ड के बारे में जानती हैं आप, जिसका खूब प्रचार कर रही है बीजेपी की, ये कार्ड भामाशाह कार्ड है भी नहीं है और बात भी नहीं है, है भी नहीं और इसका आपको लाभ भी नहीं मिल रहा है। और क्या आपके कॉलोनी के? हमारे कॉलोनी में रोज लड़ाई होती है बस नाली के चक्कर में, नाली के चक्कर में रोज लड़ाई। तो नेता वेता कोई सुनते नहीं? कोई नहीं आती है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। एक दिन नहीं आया नाली साफ करने, हाथों से कचरा निकालते, पूरी मोहल्ले कचरा भी निकाल के रख देते ना, तो भी भर के भी नहीं ले जाते, कोई सफाई वाला कोई घुसता ही नहीं है, और कचरा हम खुद हाथों से निकालते हैं, तो बोलते हैं हमारा काम थोड़ी है, किसका काम है, तुम्हारा काम नहीं है तो भाई है किसका काम है, लड़ाई होती है, हम खुद हाथों से निकाल के कचरा निकाल देते, और भरने वाले से बोलते, कचरे वाले से, तो बोलते हमारा काम थोड़ी है, उसको भी हम आते हैं भर भर के रोड पे फेंकने जाते हैं, हम कचरे भर भर के फेंक के आते हैं, और रोज लड़ाई होती है, सफाई वाला आते हैं और फुल नालियां भरी है। किसी से बोला नेता वेता से की करवाओ? कोई आएगा नेता जब तो बोलेंगे, अभी तक कोई नेता ही नहीं आया, कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, नहीं आता, क्या हो रहा गली में? आप अम्मा क्या कह रही थी? मैं यो कह रही, एक तो स्मार्ट मीटर है। हाँ। और दूसरी है ये देखो, ये रोड है, ठीक है। हाँ। ये रोड और नाली है, बस और कुछ नहीं है हमारे स्मार्ट मीटर में। हमारे क्या है, बिल ज्यादा आ रहे, 5-6 हजार रुपया बिल आ रहे हैं, हमें खाएंगे पेंशन में से, खाएंगे का बच्चे पालेंगे का पढ़ाएंगे का लिखाएंगे का मीटर के बिल भरेंगे। और दूसरी बात ये देखो रोड, ये रोड रोड बनाया नहीं, के हार गई मैं, मैंने बोले कि उनने बोली कि हाँ बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, एंड टाइम पे मना कर दिया, ये सामने का रोड और नाली पूरा रह गया, ये सामने कचरा भर रहा है और ये मेरा घर है, ये बीमारी के पैदा हो रहे हैं
क्या कहे मच्छर डेंगू ये सब हो रही है, क्या इलाज कराएंगे या बिल भरेंगे क्या क्या करेंगे हम बच्चे ये समस्या है हमारे। और नाली देखो नाली रोज मैं साफ करती हूँ, एक बाबूजी और मैं रोज डेली साफ नाली मैं करती हूँ और ये बाबूजी करते। तो जो यहाँ के विधायक रहे भवानी सिंह जी वो आए कभी? कभी नहीं आए, भवानी सिंह के शकल ही नहीं देखे हमने आज तक। 15 साल हो गए, आज मुझे 18 साल हो गए यहाँ पे। 18 साल के बाद में तो ये रोड बना और नाली ऐसे बना है, 7,000 रुपये हमारे और ठुक गए उसमें। और नाली का कोई काम का नाली नहीं बना। नाली के पैसे आपने दिए? नहीं, ये सब तोड़ा फोड़ी करी है इन्होंने, सब तोड़ा फोड़ी कर दिया, सब पैसा हमें लगानी पड़ी है। फिर बाद में उन्होंने तो ऐसी बना बनू के चले गए वो था। फिर उसके बाद 15 साल में कभी भवानी सिंह जी? कभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भवानी सिंह का। भवानी सिंह आज तक यूँ नहीं पूछी कि तुम्हें क्या परेशानी है। और आप देख रहे कांग्रेस जीतेगी तो ठीक है, और नहीं करे तो ठीक है, नहीं तो हम वोट देना ही बंद कर देंगे। क्या फायदा है? इतनी व्यथा है जनता की कि वोट देना ही बंद रह रहे हम। हमारे बच्चे रोते कि हमें बदबू आती है, ऐसी नाली बनाएंगे और पीछे कचरा। उनसे बोलते कि साफ करो, सफाई वालों कहते पैसे दो। अब उन्हें पैसे कहाँ से दें? ठीक है, क्या नाम है सर आपका? पंकज। पंकज जी युवा हैं आप, सरकार जिम्मेदार है आपकी, आपके प्रति सरकार बहुत जिम्मेदार है भाई साहब। कैसे कैसे? नौकरियां एक तो खत्म कर दी है ना राज्य सरकार ने। व्यंग मार रहे पंकज जी, व्यंग मार रहे। और ऊपर से हम 30 साल हो गया हमारी उम्र, परेशान भी है। घर वालों ने बोली 30 साल से कोई रोड ना नाली का कुछ विकास नहीं हुआ अभी तक, और ना कुछ व्यवस्था है कुछ भी। राशन कार्ड भी खत्म कर दिए, कोई राशन कार्ड से कोई फायदा नहीं मिल रहा। साल भर हो गए राशन कार्ड बंद हुए ना। वहाँ जाएंगे ऑफिस में तो वहाँ बोलेंगे कल आना परसों आना ये करना वो करना। नाली हमने खुद ने घर की अपनी खुद की बनाई है ना। आपकी जो सरकार है, आपकी जो सरकार है, आपके जो विधायक रहे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक 15 साल से हमने सुना था, 15 साल से विधायक थे हमारे। कब देखा था आपने आखिरी बार उनको? देखा था पिछले साल वोट मांगने आए थे जब, देखा था 2-3 बार कारों में भी देखा था। अब क्या बोले फिर विधायक साहब से, सुनते ही नमस्ते करके चल जाते हैं। तो आप एक युवा होने के तौर पे आपकी सरकार आपके प्रति जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार है पूरी सरकार, जो 15 साल से जो हमारे यहाँ पे भवानी सिंह जी है पूरे जिम्मेदार है। हमारे लिए कुछ नहीं करा ना, कॉलोनी के लिए कुछ करा। वसुंधरा जी भी जिम्मेदार है, सरकारी नौकरियाँ खत्म कर दी। यहाँ पर रोड ही ऐसी है, ऐसे ऐसे काम नहीं हुए जो ये सब कह रहे हो सही। तुम जानते हो ये सब काम कौन करवाता है, किसको करवाने चाहिए, सरकार क्या होती है जानते हो? नहीं। वंश अभी बहुत छोटा है, इसको अभी नहीं पता कि सरकार क्या होती है। हम अपने हाले मुकाम से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। पूनम कॉलोनी के लोगों से हमने बात करी तो निकल कर एक ही मुद्दा आता है कि 15 साल में यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार रहे हैं। उनका कुछ, हालांकि कुछ लोग उनके समर्थन में भी हैं कि विकास हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो पार्टी ने 15 साल तक लगातार उनको टिकट क्यों दिया? 3 पंचवर्षीय जीते भी सही, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं। इसके अलावा कल्पना देवी को जो लेके यहाँ के लोगों का मत है तो कहीं ना कहीं नए कैंडिडेट होने से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। पूनम कॉलोनी के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे सड़क नहीं है, जो कचरा उठाने वाला है वो टाइम पर नहीं आता, आता है तो गैर जिम्मेदार तरीके से आकर के चला जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। KEDL जिसका नाम आपने कई बार यहाँ के लोगों से सुना होगा, KEDL एक ऐसा मुद्दा जो बीते दिनों कोटा में काफ़ी हाईलाइट रहा और उस मुद्दे को लेकर कई सारे संघर्ष भी किए गए। ये जो कॉलोनी है वहाँ लगभग 5,000 से 6,000 लोगों का कहना का निवास है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट भी देना छोड़ देंगे, यानी कि 31 साल से एक कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पे अब जाके सड़क पहुँची है। तो इन लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो हम वोट भी देना छोड़ देंगे। धन्यवाद।